योग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो अपार। अब यहां गुरु का स्मरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो स्मरण करते वो पार होंगे, तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का स्मरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव केंद्र ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सोपन में भी भाव नहीं आवे, और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिसमें तुम जाप करते हो उस समय आपको ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं, ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने रक्त रग। जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ, सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है नाम दिया वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चत चेला रे, तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे, मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और ऐसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास, ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि मुख माला तो कर्म में फिरे और मन माया माला तो कलम कर्म में फिरे और मन वहां फिरे चूं और। तो ये सुमन नहीं है, जीव्या तो मुख में फिरे और माला कर्म में अध्ययन की तौर घूम रहा, तो कहते ये सिमरण नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरण करते समय एकाग्र चित करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं वो घूमती रही और नाम लेते समय चित यानी सुरती नहीं लगी तो कच्चा वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत निरत मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पर उसके साथ आ जाएगा और निरत भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे, श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे, सुरत नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत नृत्य मन पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि चौबीसा और हंस बिछोड़े विश्व बीसा, या सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लाएगी तो इस जीव को भगवान से दूर करे करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं, और एक अपने पर गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे खूब दबाओ मालिश करो, वो चीज अलग है, उस भाव से नहीं एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है, और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है।
तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमने वो दुख तो वो परेशान हो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह के कुछ कहना, किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है। और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे जो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो, क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बता ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गुड बोल दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड, अभ्यास बना लो अपना ये, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय, सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है, गुड वैसे हो जाएगी हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पेंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो, जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहाँ से भरवा लो जा करके, तो सतलोक आश्रम भरवा लो, बता दिए उनको कि वहाँ वो वहाँ से भरवा लो वहाँ जाकर,